Excuse me. Have you seen this guy? कहाँ है मंदिरा? कहाँ भेजा उसे? पागल हो गई है क्या? आपको क्या लगता है मंदिरा मेरे साथ है? अगर मंदिरा मेरे साथ होती ना तो मैं उसको यहाँ वहाँ ढूंढ नहीं रहा होता। पूरे होटल स्टाफ से एक एक बंदे से पूछ चुका हूँ लेकिन वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करते हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, आपके पास मकाओ के टिकट्स के पैसे आए कहाँ से? डिपॉजिट के तो पैसे नहीं आए। मकान मालकिन जी, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो मेरा जवाब ये होगा कि मुझे अम्मा से उधार मिला है। अम्मा जी, तो उन्हें ये लगता है कि इस उम्र में वो अपने बेटे के पास नहीं जाने वाली। आपको कैसे पता कि अम्मा? आपको क्या लगता है गमों का पहाड़ सिर्फ आपके ऊपर टूटा है? आपने अभी तक बताया नहीं कि मकाओ के टिकट्स आपके पास। बाइक बेच दी मैंने अपनी। बाइक बेच दी? जी। आपने तो कहा था कि बाइक आपके दोस्त की है। हाँ, तो दोस्त को जाकर के बताऊंगा ना, अभी समझाऊंगा उसे कि क्यों बेची है। अब सर पकड़ के क्यों बैठे हो? अरे कहीं घूमने चलते हैं, इतनी खूबसूरत जगह है और तुम यहाँ पे ऐसे बैठे हो। चलो ना, नीचे इतना बड़ा शॉपिंग एरिना है विनिशियन मकाओ में, साथ में शॉपिंग करेंगे, हाथ पकड़ के घूमेंगे। हाँ चलो ना, रूम के बाहर खुली हवा में जाएंगे ना तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, मेरा जी कर रहा है। चले चलो। अरे पैसे तो लिए है ना? कमाल कर रही हो, पैसों की कमी है अपने पास? देखो कितने, लेकिन इसमें कैश तो है ही नहीं। और मैं ना ज्यादा कैश कैरी नहीं करता, लेकिन मेरे पास है ना क्रेडिट कार्ड है। इतने सारे? हाँ, लेकिन इसमें से है ना सिर्फ दो यहाँ के लिए, बाकी सब है ना इंडिया में चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं दो से ही काम चला लूंगी। ठीक है आओ। चले चलो। कोई बात नहीं यार, अगर आज रात पत्ता फिट नहीं किया ना तो मेरा नाम भी मनोज चड्डा नहीं, आज मैं अपना पप्पू नहीं कटवाने वाला। आज है ना कुछ भी हो जाए उस हेटलर को है ना मैं मजा चखा के रहूंगा। ओके बाय। मंदिरा रुक जा।
अच्छा है ना, पहन के आओ ना, तुम इसमें बहुत हॉट दिखोगी। इंदिरा शर्मा, अब देख तू पप्पू चड्ढा क्या करता है। यही करने आई थी यहाँ पे। आप परेशान मत होइए मकान मालकिन जी, जिस घर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और लगा रही हूँ, जिसके भविष्य की चिंता हमेशा मेरे सर पर रहती है, आज वही वो अपनी इज्जत ऐसे नीलाम करेगी किसी और लड़के के साथ। छोटी बहन, एक मिनट मकान मालकिन जी, मैं समझाता हूँ। चकोई चकोई, कनखोई दे, कनखोई दे। अच्छा, पहले उज़्बेकी और अब मैंडरिन। जी मकान मालकिन जी, मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, आप बस मुझे अपना ऋषि गाइड समझिए। हमेशा सोचता था इतनी सारी भाषाएं जानता हूँ, कब इस्तेमाल करूँगा, और देखिए ना मेरी खुश नसीब में इस्तेमाल भी की तो आपके लिए। चिकोए चिकोए, फाइडी फाइडी, ठीक लेफ्ट लेफ्ट, बोलो उसे लेफ्ट लेने के लिए। अब चिया चिया, आप परेशान मत होइए मकान मालकिन जी, मंदिरा मिल जाएगी। इन्हें प्लीज कहिए कि आगे रोके, मैं सड़क के उस पार देखना चाहती हूँ। अभी यहाँ नहीं रोक सकते, एक मिनट रुको। थैंक यू। रहने दीजिए, मैं दूंगी पैसे। आप ही की बहन को ढूंढ रहे हैं मकान मालकिन जी हम, और ये जो हिसाब करना है ना, दिल्ली में जाकर कर लेंगे। पता नहीं कहाँ ढूंढूं मंदिरा को मैं। सबसे पहले मकान मालकिन जी, आप अपनी बहन के फोन का ना प्लान चेंज कराइए। उसकी आउटगोइंग बंद थी लेकिन SMS ऑन थे, उसी का फायदा उठाया उन दोनों ने। और वो चड्ढा पप्पू, 2 दिन पहले से प्लान था इन लोगों का भागने का, वो तो आपसे बदला लेना चाहता है। और आपकी बहन मंदिरा जी, उन्हें शॉपिंग और एक हॉलीडे ऑफर कर दिया तो बस मना कैसे करेंगी बहन जी। हाँ, टिकट और वाउचर्स दोनों थे उनके पास, लेकिन आपकी समझदार बहन से गलती से वो मिसप्लेस हो गए एक्साइटमेंट के अंदर। इन सब के चक्कर में ना मैं घनचक्कर बन रहा हूँ,
मेरा उल्लू खींच रहा है। लेकिन फिर भी आप सुधरे नहीं, दूसरों की फैमिली मैटर्स में टांग जो अड़ाना आता है। अगर मंदिरा को आपने ना बचाया होता, अगर उसको हमदर्दी ना दिखाई होती ना, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं उस दिन मंदिरा को कूदने देता, है ना? जिस लड़की को अपनी नेल पेंट की चिंता होती है ना, वो छत से नहीं कूदती है। वैसे मकान मालकिन जी, एक बात बताइए, आप कब से दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने लगे? अरे कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में। मैं भी साथ चलूं? नहीं, क्या है ना कि क्या पता आपको वहां पर एक दुभाषी की जरूरत पड़ जाए। तो मुझे तो सारी भाषाएं आती हैं, जहन्नुम की भाषा भी जानता हूँ, वैसे जन्नत की भी जानता हूँ। नहीं, क्या है कि अगर आपको जहन्नुम में जगह नहीं मिली तो मैं ही तो हूँ जो आपको जन्नत की सैर कराएगा। मालकिन जी, ये मकाओ है और यहाँ पर अपने ट्रैफिक रूल्स होते हैं, पता है आपको? कि जिस तरीके से आप भाग रही थी ना, आप जेल के अंदर होती अभी। ये पेडिशन चुप रहेंगे प्लीज। आंखें खोलो। कैसी लग रही हो? मैं लग रही हो ना एकदम प्रिंसेस। एक्चुअली मुझ पे महंगे कपड़े ही सूट करते हैं, लेकिन नसीब में हिटलर दीदी जो मिली है, उनको तो जैसे हर महंगी चीज से नफरत है। तुम चिंता मत करो जाने, तुम जो भी कहोगी ना वही दिलाऊंगा तुम्हें। ओह सो स्वीट। लेकिन तुम्हें अपनी शर्त याद है ना, तुम्हें वही पहनना होगा जो मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाया हूं। एक मिनट। अच्छा है ना, पहन के आओ ना, तुम इसमें बहुत हॉट दिखोगी। जल्दी से बदल कर आओ, जब तक है ना मैं कमरे का मूड सेट करता हूँ तुम्हारी ड्रेस के हिसाब से। ओ माय सोना, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। आजा मेरी राजकुमारी, आज ना तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। कल तेरी बहन है ना इंदिरा शर्मा उर्फ हिटलर दीदी, जहन्नुम में भी है ना अपना मुंह नहीं छुपा पाएगी। मेरा तो बस एक ही मकसद है जिंदगी का, उसकी अकड़ और उसका गुरूर तोड़ना। अब देख तू पप्पू चड्डा क्या करता है। यहाँ से कूद कर आत्महत्या करेंगी क्या? नहीं वो मेरा कहने का मतलब था कि होटल का रास्ता तो वहां से है ना, तो इधर कहाँ?
क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि सारा शहर छान मारा है। पता नहीं किस कोने में बैठे हैं पप्पू और मंदिरा। सच कहूं मकान मालकिन जी, ऐसी जगह रोमांस के लिए ही भाती है। कितनी परफेक्ट रोमांटिक प्लेस है, देखिए ना, है कि नहीं? देखिए ना वो स्ट्रीट लाइट, ये विनीशियन होटल, ये रोमांटिक शाम, गुलाबी सर्दी और दो लवर्स। मेरा कहने का मतलब है कि 24 घंटे हो गए हैं, मैं समझ गया हूँ आपने कुछ नहीं खाया है और आपको बहुत जोर से भूख लगी है। एक्चुअली भूख मुझे भी लग रही है, तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं अंदर से बर्गर्स लेकर आता हूँ आपके लिए। और मेरे बॉस मुझे यहाँ छुपकर भेज रहे थे रिलैक्स करने के लिए। कैसे करूं रिलैक्स जब मेरी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई है और अब तक नहीं मिली। जब आप अपने हिटलर रूप में नहीं होती हो ना, तो बिल्कुल एक आम लड़की लगती हो, भोली भाली सीधी सादी सी लड़की। बड़े काम के हो, लेकिन हो बिल्कुल पप्पू। तुम्हें क्या लगा थोड़ा सा घुमा के मंदिरा का दिल जीत लोगे? मंदिरा तुम्हें अपना दिल नहीं देगी, बल्कि तुमसे मोटे मोटे बिल चुकवाएगी। मुझे बेहोश करने चले थे, उड़ गए ना खुद के होश। मेरा काम तो सिर्फ शॉपिंग करना है, जो मैं कर लूंगी। और तुम्हारी इस बदतमीजी की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और कल जब तक तुम उठोगे तो तुम्हारे बैंक बैलेंस में 0 अमाउंट होगा, समझे पप्पू? स्वीट ड्रीम्स पप्पू। आज पता चल गया केटलर भी डरती हैं। जान भी गया हूं कि मिस इंदिरा शर्मा के अंदर एक इंसान है, तो ये लीजिए, इंसानों का खाना खाइए। लीजिए। थैंक यू, मुझे नहीं खाना। अरे खा लीजिए, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खाइए ना, बहुत अच्छा है, इट्स यम्मी। कितनी बार कहूंगी कि मैं नहीं खाऊंगी? पूरे 10 हांगकांग डॉलर्स का है, एक यानी कि 70 रुपए। घूर क्या रही है? बता नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं अब आपको कुछ और नहीं खिला सकता। आप एक काम कीजिए, इस अजनबी शहर में मुझे अपना एक दोस्त समझ लीजिए और यहाँ पर ये बर्गर खा लीजिए, आपकी मर्जी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर आप नहीं खाएंगी तो मंदिरा आपको मिल जाएगी? मंदिरा को आपकी परवाह तक नहीं है, जानती हैं आप। और आपके घर वाले, उन्हें जब पता लगेगा कि आपने बिना कुछ खाए हुए रोड पर अपनी बहन को ढूंढा है तो बेवकूफ समझेंगे आपको। तो समझदारी का काम कीजिए मैडम, ये बर्गर खा लीजिए, लीजिए ना। अरे अपने बारे में सोचिए, खाइए। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो जीने के लिए खा लीजिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। योगेश, नहीं खाना है तो मत खाइए। मैं एक काम करता हूँ, दोनों ही खा लेता हूँ।
बंदर जैसे क्या देख रहे हो मुझे? एक सच बात और बताऊं आपको, जब आप अपने हिटलर रूप में नहीं होती हो ना, तो बिल्कुल एक आम लड़की लगती हो। भोली भाली सीधी सादी सी लड़की।